जैसा कि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि किसी टॉपिक को आंसर को याद करने के मुकाबले में अगर हम किसी टॉपिक को आंसर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझ के पढ़ लेते हैं, तो वो टॉपिक या फिर वो आंसर हमें काफ़ी लंबे समय तक और अच्छी तरह से याद रहता है। भले ही हमने एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक का आंसर का रिविज़न ना किया हो, रिवाइज़ ना किया हो, लेकिन अगर वो टॉपिक या आंसर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम उसे अच्छा खासा लिख देते हैं और अच्छे खासे नंबर पा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी टॉपिक को, किसी आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उस आंसर को, उस टॉपिक को हम भूले ना, इसलिए हम उस आंसर का, उस टॉपिक का बार बार रिवीजन करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। और यदि हम एग्ज़ाम से पहले उस टॉपिक का, उस आंसर का रिवाइज़ करना, रिवीजन करना भूल जाते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि हम लोग एग्ज़ाम में उस टॉपिक को, उस आंसर को अच्छी तरह से लिख पाए। अभी आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि याद करने के मुकाबले में अगर हम लोग समझ करके पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद रहता है और हम उसे अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिख भी पाते हैं। अब यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि समझ करके याद कैसे करें, तो इसके लिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने टॉपिक को, अपने आंसर को अच्छी तरह से और समझ करके याद कर पाओगे, जिससे कि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो वो तीन टिप्स कौन सी है, जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर एक, आप जो भी आंसर, जो भी टॉपिक समझना चाहते हैं, आप लोग उसे अपने नोट्स में या फिर बुक में, जहाँ से भी आप लोग उस आंसर को याद कर रहे हो, आप लोग उसे एक से दो बार रीड करिए। अगर रीडिंग करने के बाद आपको आंसर के या फिर टॉपिक के एक एक शब्द का अर्थ पता चलता है कि कौन सा शब्द किस चीज़ का है, वो चीज़ कैसी दिखाई देती है, क्या काम करती है, कहाँ पर होती है, अगर आपको एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से पता है तो इसका मतलब है आपको आंसर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप लोग अपने आंसर को रीड करते हैं और आपको आंसर लगभग समझ में आ जाता है, लेकिन आपके आंसर के बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा और आपको ये भी नहीं पता है कि ये जो शब्द हैं वो किस चीज़ के हैं, वो चीज़ कैसी दिखाई देती है, क्या काम करती है, अगर आपके आंसर के बीच में कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो आप लोग उन्हें गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस वगैरह देख लो। इससे क्या हुआ कि आपका जो आंसर लगभग आपको समझ में आया था वो आपको पूरा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नंबर दो, अगर आपको एक से दो बार रीडिंग करने के बाद भी अपना टॉपिक, अपना आंसर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक भी शब्द का मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन से शब्द का मतलब क्या है, वो कौन सी चीज़ का नाम है, अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चल रहा है तो ऐसे में आप लोग अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करिए। और जब आप लोग अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी 3D वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आपको उनमें से ही काफ़ी सारी 3D वीडियो देखना है जिससे कि आपको अपने आंसर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जब आप लोग 3D वीडियो देख लोगे और इसके बाद जब आप लोग अपने आंसर को फिर से रीड करोगे तो आपको एक एक शब्द का मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन सा शब्द किस चीज़ का है, वो चीज़ कैसी दिखाई देती है, क्या काम करती है। आपको पढ़ने के दौरान ये सब अच्छी तरह से पता चलेगा जिससे कि आप लोग अपने आंसर को, अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओगी और जब अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे तो आप लोग उसे अच्छी तरह से याद भी रख पाओगे। नंबर तीन, अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड 3D वीडियोज़ देखने के बाद भी आपको आपका टॉपिक या फिर आंसर समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने टीचर के जरिए इस टॉपिक को, आंसर को समझने की कोशिश करिए। और यदि आपके टीचर के द्वारा समझाने पर भी आपको आपका आंसर, टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पर अवेलेबल कई सारे टीचर्स हैं, आप लोग अपने टॉपिक को, अपने आंसर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आपको आपका आंसर या फिर टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप उससे कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी से रिलेटेड 3D वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अपने टॉपिक को कैसे समझें, अपने आंसर को कैसे समझें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग टिप नंबर 3 को फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यूट्यूब पर आपके टॉपिक से रिलेटिव, आपके आंसर से रिलेटिव समझाने वाले कई सारे टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो कि आपको आपका टॉपिक, आपका आंसर आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा दे। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।